पर सोने चांदी की दुकानों में सुबह से ही रौनक है। ग्राहक भी सोने चांदी के आभूषण और सिक्के खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार दुकानदारों को सोने चांदी के रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी का अनुमान है। इस बार धनतेरस में 250 से 300 करोड़ की खरीदारी की संभावना है। पटना के आभूषण दुकान का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। में भी लोग बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। अनुमान है कि 250 से 300 करोड़ तक की खरीदारी की जाएगी इस बार धनतेरस में। इस वक्त हम एक सोने चांदी की दुकान में हैं और यहाँ पर देखिए सुबह से ही जो कस्टमर हैं वो पहुँच रहे हैं और ख़ास करके जितने भी दुकान हैं, चाहे वो सोने चांदी की दुकान हो, गाड़ियों की दुकान हो, शोरूम हो या फिर अन्य जगह पर, हर जगह धनतेरस के अवसर पर लोग सुबह से ही पहुँच रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो लोग भी अपनी दुकानों को सुबह से ही खोल के रखे हैं ताकि जो कस्टमर आए वो खरीद सके। और देखिए यहाँ पर सोने के सिक्के हैं जो यहाँ पर एक खरीदार है वो खरीदने हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग ज्वेलरी है यहाँ पर जो लोग खरीदते हैं सुख समृद्धि और शांति के लिए, ताकि घर में साल भर बरकत रहे और सुख शांति रहे। यही हम लोग इस पर्व के निमित्त हम लोग इस सामान खरीद आज को लेकर हमारी जो उम्मीद है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पिछले बार अक्षर तृतीया में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमारा पटना सिटी शॉप से, तो उम्मीद है कि आज भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो एक बड़ी खरीदारी आज होनी है और उसकी तैयारी सुबह से ही अलग अलग जगहों पर पटना में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। धनतेरस को लेकर पटना के आदित्य विजन शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ पहुंच रही है और लगातार लोग सामानों की बुकिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग फोन, वॉशिंग मशीन और फ्रिज की खरीदारी करते दिखे। लाख रुपए तक के आईफोन ऑफिस की यूज लोग जमकर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। और आदित्य विजन के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज कुमार ने कहा कि इस बार पिछले साल से ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद है, लोग इस बार जमकर खरीदारी कर रहे हैं। देखिए आदित्य विजन का जो स्लोगन है ना, संबंध भरोसे का, उसी को संबंध को बनाए हुए रहे लोग का इतना जो भीड़ देख रहे हैं, इसीलिए वो भीड़ है आपका। अब तो अभी जो है ज़्यादातर आपका जो बुकिंग हो रही है वो फ्रिज का, टीवी का, वॉशिंग मशीन का। फ्रिज में आपको अच्छा अच्छा जो रेंज है ना, इसलिए कल धनतेरस और आज जो लोग बुकिंग कर रहे हैं इसलिए कि कल भीड़ से बचने के लिए, भीड़ से बचने के लिए साइड बाई साइड का रेंज जो है वो थोड़ा कम नहीं हो जाए, लोग सोचते हैं आज ही जाके बुक कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा।